आइए आज हम बात करेंगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स पर। कंप्यूटर कंपोनेंट्स यानी कंप्यूटर के हिस्से या कंप्यूटर के भाग। मुख्यतः कंप्यूटर में अगर देखा जाए, जैसे तो आप देखते होंगे तो आपको बहुत सारे भाग यानी पार्ट्स नजर आते होंगे, लेकिन कंपोनेंट्स की बात की जाए तो कंप्यूटर में मुख्यतः दो भाग, एक जिन्हें हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, दूसरे जिन्हें हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। इन दो हिस्सों के अलावा हमारे कंप्यूटर में कोई भी हिस्सा नहीं। तो इन हिस्सों पे हमें बात करनी है आज, और लगातार जो लोग भी चैनल से जुड़े होंगे, जो लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ये बात समझ आ रही होगी कि आज हम जो पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल में बहुत कुछ सीखा है, और फंडामेंटल में अभी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कंप्यूटर कंपोनेंट्स की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिटेल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझेंगे। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट एक सिंपली सवाल उठता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर में कौन से। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात करें तो सिंपल इस सवाल का जवाब हम यूं दे सकते हैं। यदि कोई भी सिंपली आपसे सवाल करता है कि व्हाट इज हार्डवेयर, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि विच पार्ट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर, जिन हिस्सों को हम देख भी सकें और छू भी सकें वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे हिस्से आते हैं, जैसे कि वायर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, कंडेंसर, आईसी एक्सेट्रा, बहुत सारे पार्ट। अब में बहुत डीप बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप समझ सकते हैं कि आप जिनको देख रहे हैं यानी देख सकते हैं और जिनको छू सकते हैं वो सभी हार्डवेयर के अंतर्गत। इन हार्डवेयर में अब हम बात अगर करें तो सिर्फ इतने पे बात नहीं रुकती, हमारी बात आगे बढ़ती है कि हार्डवेयर बहुत सारे हैं लेकिन उनको भी क्रम में रखना। क्रम में पहला यहाँ पे आता है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की बात करें, ये इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? सो इनपुट डिवाइस मीन्स वो सभी हार्डवेयर जो हमारे इनपुट करने के काम आते हैं, इनपुट डेटा को करते हैं और वो डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाते हैं। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत वो सभी हार्डवेयर आएंगे जिनके द्वारा डेटा को अंदर भेजा जा रहा है, यानी अंदर बन रहा है। दूसरे क्रम में आता है तो जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग कह लें तो प्रोसेसिंग डिवाइस में आ गया हमारा ये प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी प्रोसेस करने वाला। तो प्रोसेस करने वाला हमारा कंप्यूटर का दिमाग, जिस प्रकार हम कोई बात सुनते हैं तो कान के माध्यम से सुनते हैं, कान हमारा छुआ भी जा सकता है और इसे हम देख भी सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर हुआ। और ऐसे में हम इसके द्वारा आवाज को अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाने का मतलब इनपुट डिवाइस। दूसरा, वो जो आवाज है तो बात हमने सुनी वो बात कहाँ गई, तो हमारे दिमाग में जाती है, यानी कि ब्रेन में। सो ब्रेन हमारा उस पर प्रोसेस करता है। इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के पास भी एक दिमाग होता है जिसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं, और वो हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट, प्रोसेस होने के बाद आगे के क्रम में हमको मिलती है
एक डिवाइस जिसे हम आउटपुट डिवाइस के नाम से आउटपुट डिवाइस अर्थात आउटपुट डिलीवर वो हार्डवेयर जो आउटपुट दे रहा है यानी रिजल्ट दे रहे हैं। तो प्रोसेसिंग के बाद में रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट को पाते हैं जिस हार्डवेयर के माध्यम से जिसे हम आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट अगला आता है लास्ट हमारा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस अर्थात स्टोर करने वाले जिन डेटा को हम फ्यूचर में पाना चाहते हैं रखना चाहते हैं जिससे कि हमें फिर दोबारा पूरी मेहनत ना करनी पड़े तो हम उससे भागकर रख देते हैं। तो रखने का काम किसमें होगा? इनपुट डिवाइस में कर नहीं सकते, प्रोसेसिंग डिवाइस में भी नहीं हो सकता, आउटपुट डिवाइस में भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो स्टोर करने की जरूरत पड़ती है जिसे हम स्टोरेज डिवाइस। तो इस तरीके से हमारे हार्डवेयर क्रम में किए गए तो ये चार प्रकार के हार्डवेयर हैं। यहाँ बात करते हैं डिवाइस की। तो देखिए इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से पार्ट हैं उनको आप पहचान सकें। एक कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, स्कैनर और माइक्रोफोन। इन सभी का प्रयोग करके हम अलग अलग तरीके से डेटा को इनपुट करा सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं, अंदर रख सकते हैं। दूसरे आते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस में बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस में आने वाले हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर, ये सभी हमें आउटपुट देने का कार्य करते हैं। ये सभी हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। क्रम में पढ़ते हैं तो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जिससे हम प्रोसेस कराते हैं वो है हमारा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगली डिवाइस जिसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में भी बहुत सारे पार्ट आते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव। तो इस तरीके से इनके बारे में भी हम डिटेल्स पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में, बट अभी जानकारी के लिए इतना हमें तैयार। तो एक हार्डवेयर की बात करते हैं जो हार्डवेयर हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इनपुट भी नहीं करते, प्रोसेसिंग भी नहीं होती, आउटपुट भी नहीं होता और हम उससे स्टोरेज भी नहीं करते। फिर इसका कार्य क्या है? ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है जिसे हम सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। सिस्टम यूनिट को देख सकते हैं आप, एक डिब्बा आपको कंप्यूटर सिस्टम में मिलेगा जो एक ढांचा होता है जिसको हम चेचिस भी कहते हैं या कैबिनेट भी कहते हैं। ये सीपीयू के नाम से भी कुछ जगहों पर पुकारा जाता है, कुछ लोग इसे सीपीयू का भी नाम देते हैं। ये सिस्टम यूनिट का कार्य होता है प्रोटेक्ट करने का, यानी कि हमारे वो पार्ट जो प्रोसेसिंग में कार्य आएंगे, यूज किए जाते हैं, वो इस डिब्बे के अंदर बंद होते हैं, ढके होते हैं, कवर होते हैं। एक तरीके से ये हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का घर होता है। इस सिस्टम की बात करें सिस्टम यूनिट की, तो सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आने वाले पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? अगर हम सिस्टम यूनिट को ओपन करके देखें तो इसमें हमें मदरबोर्ड जो कि मेन बोर्ड के नाम से या सिस्टम बोर्ड के नाम से भी पुकारा जाता है, दूसरा एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट में एक्सपेंशन कार्ड्स लगाए जाते हैं, एक्सपेंशन कार्ड के साथ साथ मेमोरी भी यहाँ पाई जाती है जैसे कि रैम, रोम इत्यादि। तो इस तरीके से ये सिस्टम यूनिट भी एक हार्डवेयर हुआ, बट ये हार्डवेयर हमारा अदर हार्डवेयर यानी कि प्रोटेक्शन डिवाइस में आता है। आगे में बात करते हैं यहाँ अब सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यानी हमारे कंप्यूटर का दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा। तो दूसरा कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे जो आते हैं वो सॉफ्टवेयर, अगर सवाल किया जाए कि सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, तो जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे बल्ब जल रहा है लेकिन हम उस बिजली को नहीं छू सकते, जिस बिजली से, जिस इलेक्ट्रिक से बल्ब की रोशनी आ रही है। एयर एंड हवा, हमारे शरीर में सोल, आत्मा, ब्रीथ, ये सभी एग्जांपल होंगे सॉफ्टवेयर।
लेकिन आपको समझने के लिए होंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं तो सिंपली आप कह सकते हैं, यदि आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो देन सिंपली आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक निर्देशों या आदेशों का समूह होता है सॉफ्टवेयर। अगले क्रम में आते हैं तो सॉफ्टवेयर में दो पार्ट होते हैं मुख्यतः। पहला हमारा सिस्टम को चलाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, सिस्टम की देख रेख करता है, सिस्टम को मेंटेन करता है, सिस्टम में पूरे के पूरे कार्य को कराने वाला सॉफ्टवेयर ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने यहाँ पे जानकारी रख लेनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं आप। दूसरा आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी हमारे निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मैं शशिकांत उपाध्याय आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ज्वाइन किया इस क्लास को। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।